हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन नितिन फोटोग्राफी। माय नेम इज़ नितिन। टुडे आई विल शो यू हाउ टू मेक बॉर्डर ऑन आवर इमेज। इट्स वेरी सिंपल वे टू मेक बॉर्डर ऑन इमेज। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इमेज पे बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं, वाइट, ब्लैक या जो भी आप जिस कलर की भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं। यह बहुत आसान है फोटोशॉप में बॉर्डर बनाना। तो आइए देखते हैं कैसे हम बॉर्डर बनाते हैं इमेज पे। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ इमेज ओपन कर रखी है, तो हम इसी में देखते हैं कैसे बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहले हमें इमेज ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से कैनवास साइज में सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप वेट हाइट ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर इंचेस दिया हुआ है, पिक्सल दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर पिक्सल सिलेक्ट करना है। मैं 20 पिक्सल रख लेता हूँ। यहाँ भी हाइट भी 20 पिक्सल की कर देता हूँ और कलर मैं ब्लैक ही रखता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक बॉर्डर जो है हमारी बन चुकी है। यू कैन सी हेयर स्लिम ब्लैक बॉर्डर रेडी हेयर। और मुझे अभी इसमें वाइट बॉर्डर भी ऐड करना है, तो फिर से हमें वही ऑप्शन पे जाना होगा, इमेज कैनवास साइज। और अब मैं यहाँ पर फिर से पिक्सल सिलेक्ट करना होगा और पिक्सल की वैल्यू रख देता हूँ मैं 60 और हाइट भी 60 रख देता हूँ। लेकिन कलर यहाँ पर मैं इस बार वाइट सेलेक्ट करता हूँ और ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट बॉर्डर भी हमारी जो है रेडी हो चुकी है, लेकिन हमें थोड़ी सी और साइज बढ़ाना है उसकी। तो और मैं इसको 20 वैल्यू करके और ऐड कर देता हूँ, 20 पिक्सल और बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है, जैसे अभी मुझे वाइट के अलावा और दूसरा कलर चाहिए, तो मैं इसको अभी अंडो कर देता हूँ और फिर से जाता हूँ वहीं पर, सॉरी, इमेज कैनवास साइज, और यहाँ से 80 पिक्सल, यहाँ भी 80 पिक्सल, और इस बार कलर मैं लेता हूँ येलो कलर ले लेता हूँ। ओके, ये हमारी येलो कलर की बॉर्डर अभी रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरे टाइप से भी देखते हैं। इसमें बॉर्डर, फोटोशॉप में बॉर्डर आप बहुत से तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ बॉर्डर बनाने के। फ्रेंड्स, हम एक तरीके से और बॉर्डर बना सकते हैं जिसमें हम अपना टाइटल भी दे सकते हैं। उसके लिए भी हमें सेम वही प्रोसेस अपनाना होगा जैसा हम कि इसके पहले देख चुके हैं। इमेज पे जाना होगा हमें, कैनवास साइज पे जाना होगा, यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 20 पिक्सल, यहाँ भी 20 ले लेता हूँ, कलर ब्लैक ब्लैक रहने देते हैं हम और ओके कर देते हैं। अगेन इमेज पे जाना होगा, सेम प्रोसेस, लेकिन इस बार मैं वेट को 25 नहीं 40 कर देता हूँ, हाइट भी 40 और कलर जो है वाइट, सॉरी पिक्सल लेना था हमें, पिक्सल ले लेते हैं, 40 रख लेते हैं, वाइट कलर रख लेते हैं। ओके, अगेन वी गो टू ऑन इमेज ऑप्शन एंड सिलेक्ट कैनवास साइज एंड हाइट हम ले लेते हैं यहाँ पर 80, सॉरी पिक्सल सेलेक्ट करना है हमें
और 80 जो है हाइट ले लेते हैं। और यहाँ से मैं मुझे डाउन नीचे की ओर बढ़ाना है बॉर्डर का साइज, इसलिए मैं नीचे का एरो शो करता हूँ, ये इस तरीके से वाइट कलर होना मुझे। ओके, देन क्लिक ऑन ओके बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नीचे की बॉर्डर जो है उसका साइज बढ़ गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी जो मुझे अपना टाइटल देना है वो लिख लेता हूँ। साइज बढ़ा लेते हैं हम यहाँ से टाइटल का। कलर यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं सेलेक्ट फॉन्ट का, और फॉन्ट हम सिंपल वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। नितिन फोटोग्राफी, इसका साइज भी बढ़ा लेते हैं हम और थोड़ा सा। और इसे सेंटर पे रख देते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है अपनी बॉर्डर के नीचे टाइटल दे सकते हैं, या फिर डेट डालना है आपको डेट डाल सकते हैं, और आप करना चाहे या लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे तरीके से और कैसे बॉर्डर बनाते हैं। अब दूसरी इमेज देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट टूल हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से थोड़ी सी गैप रख के इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब जाना होगा सिलेक्ट ऑप्शन पे और इनवर्स पे क्लिक करना होगा। ये जो है फ्रेम की जगह पे हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब एडिट पे जाना होगा, फिल ऑप्शन पे, और आपको बॉर्डर का कलर कौन सा रखना है ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर अगर आपको चाहिए तो ये कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे रखना है ब्लैक कलर की बॉर्डर, या मैं फिर वाइट रख लेता हूँ और ओके। यहाँ पर मेरी वाइट कलर की बॉर्डर जो है तैयार हो चुकी है। ये भी दूसरा तरीका बड़ा ही आसान है। और हम तीसरे तरीके से भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक और इमेज ओपन कर रखी है हमने, यहाँ से मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ, इससे भी थोड़ा सा बाहर, इससे भी थोड़ा सा बाहर, और इससे भी थोड़ा सा बाहर। और ओके, हम इस तरीके से भी वाइट कलर की फ्रेम बना सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी आपको और भी दूसरे कलर की ब्लैक बॉर्डर रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ब्लैक 20 पिक्सल। कलर ब्लैक या फिर ग्रे कलर रख सकते हैं, ब्लैक ले लेते हैं और ओके। ओके फ्रेंड्स, और भी दूसरे तरीके से देखते हैं हम कैसे बॉर्डर बना सकते हैं। इसको मैं अभी अंडो कर देता हूँ। आप चाहे तो इसे सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जाना होगा फिल्टर ऑप्शन पे और कैमरा रॉ फिल्टर पे। सिलेक्ट करना होगा हमें कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है, ये इफेक्ट पे जाना होगा। और यहाँ से
अमाउंट, अगर आपको वाइट बॉर्डर रखना है तो इस तरफ करना होगा, ब्लैक रखना है तो इस तरफ करना होगा, जैसा भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम वाइट बॉर्डर देख लेते हैं एक बार। मिड पॉइंट को कम कर लेते हैं, राउंडनेस को भी कम कर लेते हैं, सॉफ्ट बॉर्डर भी बना सकते हैं आप, हार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ से फेदर भी कम कर लेते हैं। ये हमारी जो है सॉफ्ट हार्ड बॉर्डर बन गई है, ये अभी वाइट कलर की बॉर्डर बनी है। अगर मैं इसे ब्लैक करना चाहूँ तो इसको ब्लैक कर सकता हूँ, और राउंडनेस अगर मैं बढ़ाना चाहूँ इसका तो इस तरीके से जितना चाहिए मुझे उतना मैं कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, फेदर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, हार्डनेस सॉफ्टनेस इस तरीके से। मिड पॉइंट से आप बॉर्डर की साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे वाइट कलर की बॉर्डर ब्लैक रख लेते हैं हम, डार्क कर देते हैं। इस तरीके से भी आप इफेक्ट दे सकते हैं इसमें, जैसा भी आप रखना चाहें उस तरीके से रख सकते हैं। और ओके, फ्रेंड्स हमारे पास और एक तरीका है बॉर्डर बनाने का, हम इसे भी अंडू कर देते हैं अभी, और जो सिलेक्शन एरिया है उसे डीसेलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस डी बटन से जो है सिलेक्शन हट जाएगा हमारा। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल और इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड से अल्टर बटन दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, और अंदर साइड से एक बॉक्स और बना लेता हूँ थोड़ी सी गैप रख के, और ओके। अब यहाँ से मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं हम, जो भी कलर चाहिए आपको बॉर्डर में वो ले लेते हैं, वाइट कलर, ब्रश हार्ड, इस तरीके से सिलेक्टेड एरिया पे मैं पेंट कर देता हूँ। और अभी डीसेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल प्लस डी बटन से। अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ बॉर्डर को कहीं पर भी, क्योंकि हमने न्यू लेयर पे ये बॉर्डर बनाई हुई है इस तरीके से। आप चाहे तो इसे बड़ी छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, इसके लिए एडिट पे जाना होगा और फ्री ट्रांसफ़र पे जाना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर आप यहाँ से इसका साइज अल्टर प्लस शिफ्ट बटन दबा के कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, या फिर आपको रोटेट करना है तो इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं आप, बड़ी करना है थोड़ी। इस तरीके से बड़ी भी कर सकते हैं हम, या फिर इसमें थोड़ा सा मुझे ग्लो लाना है, उठ के दिखना चाहिए 3D टाइप, तो
तो हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा और ये बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करना होगा, काउंटर पे भी, टेक्सचर पे भी। अब जो है कुछ हमारी बॉर्डर अलग ही नज़र आ रही है। यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं हम, यहाँ आपको और भी एडवांस कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे शेडो बनाना है, शेडो को हमें लेकिन शेडो हटा देते हैं, कुछ खास नहीं दिख रहा है शेडो में। वाइट कलर की थोड़ी सी इसमें हम ब्लरनेस ला सकते हैं इस तरीके से। ओके दोस्तों, अभी इसे ओके कर देते हैं हम। और जो इमेज के अंदर का पोर्शन है उसे हाईलाइट रहने देते हैं, बाकी को ब्लर कर देते हैं इस तरीके से। सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना होगा, इनवर्स पे क्लिक करना होगा और हमें फिल्टर पे जाना होगा, फिर ब्लर और गार्जियन ब्लर। अभी जो बाहर की जो इमेज है हमारी सिलेक्शन एरिया, हम उसे ब्लर कर देते हैं थोड़ा सा। और ओके डीसेलेक्ट, या फिर आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए फिर से सेलेक्ट करना होगा, फिर से सिलेक्ट इनवर्स और यहाँ से कलर बैलेंस। ओके डी सिलेक्ट, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं बॉर्डर। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन लाइक आइकॉन मेंशन बिलो। या फिर आपको कुछ पूछना है हमसे तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया हो तो भी डिसलाइक कर सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।